आज एक डॉक्टर साहब का दूसरे डॉक्टर साहब से मैच पड़ेगा। अगर आपको कोई रूहानी या जिस्मानी बीमारी है तो हमारे पास हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर डॉक्टर फारूक सत्तार। Doctor, thank you very much. You are more than welcome. What a pleasure, what an honor. Always having you in our show. आपका क्या होगा कि दो डॉक्टर के बीच में मुर्गी हलाल होगी हराम? एंकर का क्या होगा? नहीं नहीं, दो डॉक्टर के बीच में एक पेशेंट। You've been very polite. डॉक्टर साहब भी बड़े पोलाइट है, मुर्गी कहा इन्होंने, हालांकि मुर्गा भी कह सकते थे, ऊंट भी कह सकते थे। अली भाई आप गलत समझे, ये वो दीवार नहीं है जिसके अगेंस्ट लगाया जाता है, ये वो दीवार है जिसमें चुनवा दिया जाता है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, अगर खुदा की कसम खा रहा हूँ, अगर ये पॉलिटिशियन नहीं होते तो ये तो पॉलिटिशियंस के वो है परिजाद है। वैसे फारूक भाई, हम इलेक्शन में जिन लोगों को चुनते हैं ना, उनमें से बेशतर वो होते हैं तो जिनको दीवार में चुनवाना चाहिए। लेकिन अब आप अपनी तसी कर ले कि आप चुनते हैं या वो कहीं और से मुंतखब होते हैं, वाह वाह वाह, या कहीं और से इम्पोर्ट होते हैं, दरामद होते हैं, तो चुनने का लफ्ज तो आप लुगत में से निकल गया। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर एक वसीम वाला गैर मासूमाना सवाल है, वो ये है कि जिसने भी गवर्नर को चुना है वो भी तो चुन दिए गए हैं, हालांकि वो आपका बड़ा दस्ते शफकत है उनके साथ। मैं सिर्फ सेनेट की एक सीट पर उनको ले जाने का रवादार था, उन्होंने तो उनको उससे ज्यादा बड़ी पोजीशन पे एलिवेट कर दिया और गवर्नर बना दिया पूरे सूबे का। मैं समझता हूँ कि देखें, हम बहुत अच्छी कौम, बहुत अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा माशरा बन सकते हैं अगर एक टीम बिल्डिंग हो, अपनी अना को थोड़ा सा पीछे कर दें और एक इज्तमाही मफाद को आगे ले आए, अपने ज़ाती मफाद को पीछे।